फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ कैप। ये लेडीज जेंट्स कैप है, यूनिसेक्स कैप। आप किसी के लिए भी बना सकती हो फ्रेंड्स। और देखिए, ये मैंने ऊपर से ये इसकी शेप इस तरह से आई है और ये पैटर्न बहुत ही प्यारा है। और इसकी जो पैटर्न की बैक साइड है वो भी बहुत सुंदर लगती है। और फ्रेंड्स जी, इसके अब मैंने बॉर्डर इस तरह से बनाया है। ये बड़ा बनाया फोल्ड करने के लिए, इसको मैंने इस तरह यहाँ पर किया है ताकि ये जो है यहाँ से फोल्ड रहे हमारा इस तरह से। अगर आप फोल्ड नहीं भी करना चाहते तो आप इसका बॉर्डर कम बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विद मेजरमेंट्स में आपको बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाई है। फ्रेंड्स, बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बात और, मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाती हूँ उसमें कितनी वूल यूज़ हुई, कौन सी निटिंग नीडल्स या कौन सा क्रोशिया मैंने यूज़ किया है, वो मैंने जो स्टार्टिंग में ही सब कुछ रिटर्न में दिया होता है प्रोजेक्ट स्लाइड के ऊपर, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये ब्लू बेल वूल यूज़ कर रहे हैं और कलर ये यूज़ करेंगे। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 10 नंबर नीटिंग नीडल्स। और फ्रेंड्स, इस कलर का और इसी पैटर्न का कैप के साथ मैंने एक टॉप भी बनाया है और उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं कैप बना रही हूँ। ये मैंने बॉर्डर बनाया इस तरह से और यहाँ पर ये मैंने पैटर्न डाला है। तो पहले मैं ये बताती हूँ कि मैंने बॉर्डर कैसे डाला है। ये 2x2 रिब का बनाया है, फिर भी मैं अपने बिगनर्स के लिए बता देती हूँ कि ये कैसे बनाया है। और फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए डेमो के लिए भी मैं यही वूल यूज़ कर रही हूँ जो मैंने वूल इसमें यूज़ की है। तो पहले मैं बॉर्डर पैटर्न बताती हूँ। और ये बॉर्डर पैटर्न के लिए स्टिचेज चाहिए हमें मल्टीपल ऑफ 4+2। तो मैंने यहाँ पर 14 स्टिचेस लिए हैं। तो राइट साइड से फर्स्ट रो, यहीं से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। नीट 2, दो फंदे सीधे, पर्ल 2, दो फंदे उल्टे। तो यही हमने रिपीट करना है, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। नीट 2, पर्ल 2, नीट 2, पर्ल 2, रिपीट पैटर्न ओवर। और लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचे रहेंगे, वो हम सीधे बनाएंगे। लास्ट में नीट 2। और अब हमारा रो सेकेंड है रॉन्ग साइड से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे स्टिचे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। तो रिपीट पैटर्न स्टार्ट यहीं से होगा, पर्ल 2, दो फंदे उल्टे। और ये देखिए, दो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम सीधा बनाएंगे। पर्ल 2, नीट 2, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। तो देखिए, ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हमने उल्टा बनाना है। और ये सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम सीधा बनाएंगे। दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। और यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है। लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेज उल्टे रहेंगे। तो इसी यही 1-2 रो रिपीट करते हुए हमने ये बॉर्डर बनाना है। और मैं इसकी 2 रोज़ और बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 2 रोज़ और बना ली, तो ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। और अब मैं ये बताती हूँ, ये इतना हमने ऐसे बनाना है। तो ये मैंने 3 इंचेस बनाया है यहाँ तक। 3 इंचेस के बाद मैंने 2 रोज़ बनाई है ताकि जब भी हम ये कैप पहनेंगे तो ये यहाँ पर फोल्ड ईजली हो जाएगी इस तरह से। इसलिए 2 रोज़ मैंने ऐसे बनाई है। तो वो मैं बताती हूँ कि 2 रोज़ मैंने कैसे बनाई है। राइट साइड से रो ऐसे बनाएंगे, जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं उल्टा बनाएंगे, जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं सीधा बनाएंगे। तो ये फंदे सीधे हैं, तो यहाँ पर रिपीट पैटर्न स्टार्ट, पर्ल 2, निट 2। देखिए, ये फंदे सीधों के ऊपर उल्टे डाले, उल्टे फंदों के ऊपर सीधे। अगेन ये सीधे फंदे हैं, इसे हम उल्टा बनाएंगे। ये उल्टे फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बनाएंगे।
ये सीधे फंदे, और यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है, लास्ट वाले उल्टे फंदे आएंगे ये सीधों के ऊपर, और इसी तरह हम एक रो और बनाएंगे। अब हमारे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। ये फंदे इधर से उल्टे बनाए हैं, इधर से सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें सीधा ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से, अब ये उल्टे हैं, ये उल्टे बनाएंगे। तो नेट टू पर्ल टू, ये रिपीट पैटर्न रहेगा, नेट टू पर्ल टू। देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही हमने बनाते जाना है, पर्ल टू, नेट टू पर्ल टू। बस ये टू रोज हम बनाएंगे इस तरह से। और अब फिर हमने वही जैसे हमने पैटर्न यहाँ पे बनाया वैसे ही हमने स्टार्ट करना है। ये नीट टू, ये टू रोज हमने बनानी है, उसके बाद सेम पैटर्न शुरू करेंगे, नीट टू पर्ल टू, नीट टू पर्ल टू। दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया है वैसे ही बनाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास सीधे फंदे आएंगे। मीन्स इसमें हमने वन और टू रो ही रिपीट करनी है ये वाली। तो इसी तरह हम बनाएंगे, तो इसी तरह फोर फाइव रोज बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, अब ये मैंने फाइव रोज बनाई है। वैसे हम ये कैप में रोज कम बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने फोर रोज बनाई थी, यहाँ टू रो बना के ऊपर फाइव रो बना ली, वैसे ही ये मैंने आपको बताने के लिए। अब हमारी ये फाइव रोज के बाद हमारी रॉन्ग साइड से रो है, जो हमने पैटर्न स्टार्ट करना है वो रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। देखिए इसमें आपको दिखाती हूँ, ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो ये वैसे तो दो उल्टे दो सीधे, ये चेन ही हमारी बताती है कि ये हमारी रॉन्ग साइड है या राइट साइड है, वैसे तो नहीं पता चलता। और अब ये जब हम ये पहनेंगे तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी। जब फोल्ड होगी तो जो हमारी ये चेन है ये ऊपर की साइड आएगी, इसलिए हम जब भी कैप फोल्ड करने वाली कैप बनाते हैं तो इसकी रॉन्ग साइड से पैटर्न स्टार्ट करना होता है। तो ये पैटर्न के लिए जो हमें स्टिचेज चाहिए वो मल्टीपल ऑफ थ्री प्लस टू स्टिचेज चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पैटर्न उसी वे से ही उसी तरीके से लिए हैं कि हमारी बॉर्डर पैटर्न में भी सेट हो जाए और इसमें भी सेट हो जाए। तो इसके लिए थ्री प्लस टू चाहिए, तो यहाँ पर हमारे फोर्टीन स्टिचेज हैं, ट्वेल्व प्लस टू, तो ये हमारे पैटर्न जो है इस पर सेट हो जाएगा। तो कैप में भी उसी तरह ही लिए हैं, तो बाद में बताती हूँ कैप के स्टिचेस। तो पहले अब हम पैटर्न बना लेते हैं, पैटर्न की फर्स्ट रो। अब हम इसे राइट साइड काउंट करेंगे, इसकी रॉन्ग साइड अब हमारी राइट साइड होगी। अब राइट साइड से रो वन, निट टू, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, निट टू, निट वन, रैप थ्रेड थ्री टाइम्स, तीन बार हमने धागा लपेटना है इस पर। नीट टू, दो फंदे सीधे, नीट वन, रैप थ्रेड थ्री टाइम्स, इस तरह से और इस तरह से। अगेन दो फंदे सीधे, एक फंदा सीधा, जिस पे हमने तीन बार ये धागा लपेटेंगे। दो फंदे सीधे, तीन बार ये धागा लपेटेंगे इस पर, यही हमारा रिपीट पैटर्न थ्री स्टिचेस का रहेगा। लास्ट में हमारे पास टू स्टिचेस रहेंगे, इन्हें हम सीधा बनाएंगे। ये थी हमारी रो वन। अब रो टू रॉन्ग साइड से, ये रो में भी हम सीधे स्टिच बनाएंगे। नीट टू, यहीं से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, नीट टू, और अब थ्रेड आगे लाएंगे, ये फंदा जो हमने थ्री टाइम्स थ्रेड रैप किया इसको इस तरह से ओपन करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, थ्रेड बैक साइड ले जाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे। ये फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये हम सीधे बना रहे हैं। थ्रेड आगे लाएंगे, इसको इस तरह से खोलेंगे और थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे। तो यही हमने करना है, दो फंदे सीधे इसको स्लिप करना है, दो फंदे सीधे इसको स्लिप करना है, यही हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। इस थ्रेड आगे लाएंगे, इसको इधर स्लिप करेंगे, इसको बनाएंगे नहीं, बस खोल के स्लिप कर देंगे,
अगेन थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, इसको स्लिप करेंगे, थ्रेड बैक साइड, लास्ट में हमारे पास टू स्टिच सीधे आएंगे। ये थी रो टू रॉन्ग साइड से, रो थर्ड राइट साइड से। अब देखिए ये रो थर्ड पे हमने ये उल्टे स्टिच बनाने हैं, ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो हमने उल्टे बनाने हैं, वन और टू रो में सीधे बनाने हैं, थर्ड रो में हमने उल्टे स्टिच बनाने हैं। यहीं से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो गया, पर्ल टू, थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे और इसको इस बार भी स्लिप करेंगे, जो हमने पहले स्लिप किया इसको भी स्लिप करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल टू, थ्रेड बैक साइड, स्लिप वन, थ्रेड फ्रंट साइड, पर्ल टू, थ्रेड बैक साइड, स्लिप वन, थ्रेड फ्रंट साइड, पर्ल टू, थ्रेड बैक साइड, स्लिप वन। रिपीट पैटर्न ओवर, थ्रेड फ्रंट साइड, लास्ट में हमारे पास टू स्टिचे रह गए, ये हम उल्टे बनाएंगे। अब है फोर्थ रो रॉन्ग साइड से, और फोर्थ रो में भी उल्टे स्टिचेज बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड रो में सीधे बनाने हैं, थर्ड और फोर्थ रो में उल्टे स्टिच। देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, पर्ल टू, दो फंदे उल्टे। अब हमने थ्रेड यहीं रहने देना है और इसको स्लिप करना है, यही रिपीट पैटर्न रहेगा, पर्ल टू, स्लिप वन, अगेन पर्ल टू, अब थ्रेड आगे ही रहेगा, स्लिप वन, पर्ल टू, स्लिप वन, यही हम रिपीट करते जाएंगे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और लास्ट में टू स्टिच हमारे ये उल्टे। तो ये थी फोर्थ रो रॉन्ग साइड से, यही फोर रोज हमने रिपीट करते हुए ये पैटर्न बनाना है। एक रो और बना के दिखाती हूँ मैं आपको, ये फर्स्ट रो की तरह ही बनेगी, रो वन की तरह ही बनाएंगे। देखिए सॉरी, दो फंदे सीधे बनाने हैं, नेट टू, रो वन रिपीट हो रही है ये। और अब हमने ये वाला जो स्टिच है, ये वाला, इस पर हमने इस तरह से थ्रेड रैप करना है ऐसे, उसके बाद फिर टू स्टिच सीधे, रैप थ्रेड थ्री टाइम्स। देखिए इस थ्रेड, इस स्टिच पे इस तरह से करेंगे, फिर नीट टू, नीट वन, रैप थ्रेड थ्री टाइम्स, नीट टू, इसको भी सीधा बनाएंगे, ये जो हमने स्लिप किया था, और तीन बार इस पर थ्रेड रैप करेंगे, लास्ट में टू स्टिचेस सीधे बनाएंगे। तो अब सेकंड रो फिर सेम जैसे पहले बनाई है हमने, नीट टू, रॉन्ग साइड से रो है ये, नीट टू, थ्रेड आगे लाएंगे, इसको इस तरह से स्लिप करेंगे, थ्रेड बैक साइड, नीट टू, दो फंदे सीधे, थ्रेड फ्रंट साइड लेके आएंगे और इसको स्लिप करेंगे, थ्रेड बैक साइड, दो फंदे सीधे, थ्रेड फ्रंट साइड, इसको स्लिप करेंगे, नीट टू, स्लिप वन, नीट टू, लास्ट में आएंगे। रो थर्ड देखिए इस तरह से बनेगा, रो थर्ड राइट साइड से, पर्ल टू, अब दो फंदे उल्टे बनाएंगे, थर्ड रो में उल्टे स्टिच बनाएंगे, और अब ये पहले भी हमारे ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं, थ्रेड बैक साइड करके इसको स्लिप करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे, सॉरी स्लिप करना है, सीधा नहीं बनाना, और ये दो फंदे उल्टे। तब ये पर्ल टू, स्लिप वन, पर्ल टू, स्लिप वन, लास्ट में पर्ल टू, ये फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। तो ये वाले फंदे हमने टू उल्टे बनाने हैं, पर्ल टू, स्लिप वन, थर्ड यहीं रहेगा हमारा फ्रंट साइड, पर्ल टू, स्लिप वन, पर्ल टू, स्लिप वन, पर्ल टू, स्लिप वन, रिपीट पैटर्न ओवर, लास्ट में ये टू स्टिच सीधे बनाएंगे।
देखिए ये हमारा पैटर्न इस तरह से बनता है, और ये बॉर्डर की रॉन्ग साइड है, पैटर्न की ये राइट साइड है, क्योंकि हमारा बॉर्डर इस तरह से फोल्ड होना है, तो ये चेन हमारी सीधी जो है वो ऊपर आ जाएगी। अगर आप बॉर्डर बनाते हो उसे आप फोल्ड नहीं करना चाहते तो फिर आप सीधी साइड ही पैटर्न स्टार्ट करोगे। फ्रेंड्स कैप बनाने के लिए मैंने 122 स्टिचेस लिए हैं, और 122 स्टिचेस पर बॉर्डर पैटर्न और ये पैटर्न, दोनों पैटर्न हमारे वो सेट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। फ्रेंड देखिए ये तो मैंने यहाँ पर 3 इंचेस बनाया और ये 24 रोज है मेरी, और यहाँ पर ये 2 इंच से थोड़ा सा कम है, ये ऊपर वाला 2 लाइन को छोड़ करके, तो ये मैंने 14 रोज बनाई है। ये 24 रोज है, ये 14 रोज है। उसके बाद देखिए ये मैंने, ये बॉर्डर की फ्रंट साइड है, राइट साइड है, और यहाँ पर मैंने पैटर्न उसको उल्टा किया तो पैटर्न स्टार्ट किया। जब भी हम कैप इस तरह से लेंगे तो ये हमारी चेन इधर आएगी। अब ये पैटर्न की 4 रोज रिपीट करते हुए, 4 रोज का हमारा पैटर्न है, तो इसको देखिए पैटर्न को मैंने कितना बनाया है, ये 6.5 इंचेज है, और टोटल लेंथ जो हमारी है ये देखिए ये 11.5 से इतना सा कम है। और अब हमने इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। अब डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो देखिए, ये मैंने 4th रो पैटर्न की बनी हुई है, पैटर्न की हमने फर्स्ट रो बनानी है, और डिक्रीजिंग की हमारी ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट स्टिच हमने सीधा बनाना है, और उसके बाद हमने ये वाले 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 करेंगे, और साथ में यहीं पर हम थ्रेड रैप करेंगे, इस तरह से हमारा पैटर्न भी बन जाएगा और हमारा ये डिक्रीज भी हो जाएगा। तो यही हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा, निट 1, निट 2 टुगेदर, रैप थ्रेड 3 टाइम्स, इस तरह से निट 1, निट 2 टुगेदर, रैप थ्रेड 3 टाइम्स, एक फंदा सीधा बनाएंगे और ये 2 का 1 करेंगे। ये वाला फंदा बाद में होना चाहिए, इस तरह से 2 का 1 करेंगे और ये 3 बार थ्रेड को लपेटेंगे इस तरह से। अगेन निट 1, यही हम रिपीट करेंगे। जब भी 2 का 1 करेंगे तो ये वाला स्टिच बाद में होना चाहिए, तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो के एंड में है, तो ये हमने ऐसे ही बनाया। देखिए 3 बार ये थ्रेड रैप किया, एक फंदा सीधा, इसी तरह हम बनाते हुए लास्ट में हमारे पास ये 2 स्टिचेस सीधे आएंगे, तो इन्हें हम सीधा ही बनाएंगे। लास्ट में निट 2, और अब रो 2 रॉन्ग साइड से, तो निट 2, 2 फंदे सीधे। अब हमारा रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा, स्लिप 1, थ्रेड बैक साइड, निट 1, थ्रेड फ्रंट साइड, स्लिप 1, थ्रेड बैक साइड, निट 1। अब हमारा ये पैटर्न रहेगा इस तरह से, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा थ्रेड आगे करके फिर स्लिप करना है, एक फंदा सीधा, तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब सेकेंड रो के एंड में है, तो यहाँ पर मैंने स्लिप 1 किया और उसके बाद यहाँ पर एक स्टिच सीधा। और अब हमारी रो 3rd राइट साइड से, राइट साइड से रो 3rd, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और स्लिप 1, एक फंदा उल्टा, पर्ल 1, स्लिप 1, क्योंकि अब हमारे पास एक ही फंदा है बीच में, तो यही हम रिपीट करते जाएंगे। थ्रेड आगे लाएंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, इसे स्लिप करेंगे, तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब ये 3rd रो राइट साइड से मैंने कंप्लीट कर ली, और लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस उल्टे आए हैं। और अब 4th रो रॉन्ग साइड से, तो ये 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हमने सीधा बनाना है, निट 2
और यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। सॉरी, यहाँ पर ये फोर्थ रो है तो यहाँ पर हमने उल्टे स्टिचेस बनाने हैं। पर्ल टू थ्रेड यहीं रहेगा, इसको स्लिप करेंगे। यहाँ से हमारा पर्ल वन, इसके बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, पर्ल वन स्लिप वन, तो यही चलेगा, पर्ल वन स्लिप वन। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इसको हम बिना बुने उतारेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इसको बिना बुने उतारेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इसको बिना बुने उतारेंगे। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, रो फोर्थ रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली और लास्ट में स्लिप वन और ये पर्ल वन, लास्ट में हमारे पास एक फंदा उल्टा आया है। अब ये रो वन है पैटर्न की राइट साइड से। अब यहाँ पर निट टू टुगेदर, और जब भी निट टू टुगेदर करना है, ये फंदा हमारा इस तरह से आना चाहिए। देखिए इस तरह से, फिर ये पैटर्न बन जाएगा। अब निट टू टुगेदर, और ये वाला फंदा आगे आना चाहिए, ये वाला फंदा बाद में। तो इस तरह से दो का एक करेंगे। तो इसी तरह ये फिफ्थ रो है, ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फिफ्थ रो के एंड में है, तो यहाँ पर ये तो दो का एक करेंगे, नीट टू टुगेदर। लास्ट में हमारे पास टू स्टिचेस सीधे हैं और इनका दो का एक कर देंगे इस तरह से। अब देखिए ये रो हमारी इस तरह से बन गई। और अब हमारी सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से पर्ल और द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए ये उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, और ये रो हम उल्टे स्टिचेस की ही बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो मैं बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बना है। और अब हमारी है राइट साइड से सेवन्थ रो। अब हमने निट टू टुगेदर, दो फंदे सीधों का एक करेंगे इस तरह से, इस तरह से दो का एक करेंगे, सिंपली सीधा निट टू टुगेदर। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये सेवन्थ रो राइट साइड से एंड में है। तो देखिए ये दो फंदों का एक करते हुए लास्ट में एक स्टिच हमारे पास सीधा रहेगा इस तरह से। अब एट्थ रो रॉन्ग साइड से, तो ये सारे स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब नाइन्थ रो राइट साइड से, और अब हम फिर दो का एक करेंगे। तो यहाँ पर निट टू टुगेदर, इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब नाइन्थ रो के एंड में है, तो लास्ट में ये टू स्टिच सीधे और एक स्टिच रह गया, इसे हम सीधा बना देंगे। ये दो का एक किया और ये एक फंदा सीधा, तो ये स्टिच रह गए। अब हम थ्रेड कट कर लेंगे और नीडल में थ्रेड डालेंगे। फ्रेंड देखिए, ये रॉन्ग साइड है हमारी, और ये मैंने थ्रेड कट करके नीडल में डाल लिया। और अब हमारे पास ये यहाँ पर 11 स्टिचेस हैं, और इस नीडल को हम इस तरह से निकालेंगे और इधर से 11 स्टिचेस हम इस तरह से ले लेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, कोई स्टिच छूटने ना पाए इस तरह से ये लेंगे। और इसको हम थोड़ा ऐसे रखेंगे। अब एक बार हम और निकालेंगे इन स्टिचेस में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11।
इसके जो रेशे हैं वो अड़ जाते हैं इसमें। चलिए 11 स्टिचेस हो गए और अब हमने इसको इस तरह से निकालना है, लेकिन उससे पहले हमने इस थ्रेड को जो है पहले वाला जो थ्रेड है हमारा इसको पहले वाले थ्रेड को उसके बाद हम ये सेकेंड वाला जो थ्रेड है इसको फर्स्ट को टाइट करके फिर हमने इसको करना है। अगर फर्स्ट को पहले टाइट कर लेंगे तो बाद में स्टिचेस हमें डालने नीडल में मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से बन गया। अब इसकी शेप यहाँ पर इस तरह से आएगी और अब हमने यहाँ से लेकर के इसे स्टिच करना है और इतना हमने स्टिच करना है, हम रॉन्ग साइड से करेंगे, इतना स्टिच हम सीधी साइड से करेंगे क्योंकि ये हमारा इस तरह से आएगा ऊपर, इसलिए कि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये दिखाई ना दे। तो ये वाला रॉन्ग साइड से करेंगे, इसे हम राइट साइड से करेंगे, इसकी राइट साइड से, मींस ये तो रॉन्ग साइड ही है, इसकी तो रॉन्ग साइड ही रहेगी, लेकिन जब हम ये पैटर्न करेंगे तो पैटर्न की रॉन्ग साइड होगी, तो हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे, ये वाला उल्टी साइड से स्टिच करेंगे, लेकिन जब इसको करेंगे तो फिर इसको उल्टा करके हम इधर से करेंगे ताकि हम जब फोल्ड करें तो ये जो सिलाई है वो ऊपर दिखाई ना दे। तो ये स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने कैप स्टिच कर ली है, ये देखिए इस तरह से, ये ऊपर से इस तरह से बना है और ये स्टिचिंग, और यहाँ पर मैंने स्टिचिंग ये रॉन्ग साइड बनाई है इसकी, क्योंकि अब हमने इसको फोल्ड करना है और ये देखिए अपने आप यहाँ पर तक ये फोल्ड हो जाएगा और ये फोल्डिंग इसकी बिल्कुल सेट रहेगी और इस तरह। और फ्रेंड ये बहुत ही थिक थिक और कोजी कोजी सी कैप बनी है और फ्लेक्सिबल भी है फ्रेंड्स, तो ये बहुत सुंदर बन करके रेडी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए आप भी इसे। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।